मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। सुबह की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। तो आइए हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमें रात भर संभाल के रखा, अच्छी तरीका से रखा, हर एक संकट से, हर एक मुसीबत से बचाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना में जाने से पहले एक वचन हम पढ़ते हैं, यर्मिया की पुस्तक 29 अध्याय वचन 11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे, बरकत दे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो हानि की नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब अपने घर में हर किसी के लायक कल्पनाएं करते हैं, चाहे वो आपकी बेटी हो, आपका बेटा हो, हम उसके बारे में सोचते हैं कि आगे इसके लिए क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर भी हमें बताता है, तुम्हारे विषय में जो मैं कल्पनाएं करता हूँ वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं। बस हमें विश्वास रखना है और परमेश्वर पर भरोसा रखना कि परमेश्वर हमें एक ना एक दिन वो अच्छी उत्तम से उत्तम स्थान हमें मिलने वाला है यीशु के नाम से। क्योंकि वो हमारे लिए जो कल्पनाएं करता है वो हानि की नहीं वरन कुशल की हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए हमसे अच्छी योजना करता है और हमारा जीवन हमसे अच्छा बेहतर बनाना चाहता है। यदि हम उसकी आवाज़ को सुने तो अपने आप को नम्र करें और दीन करें। परमेश्वर महान है, आप जो कुछ है आप उसमें संतुष्ट रहिए। परमेश्वर आपके समय पर आपकी हरेक जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। तो आइए हम इस सुंदर सुबह को परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर को महिमा दें। और बाइबल हमें बताती है, जो भी करो वचन में या काम में, जो भी करो यीशु के नाम में, आमीन। तो आइए हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं प्रभु जी, आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से। प्रभु जी, पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी अगुवाई कीजिए प्रार्थना में मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मदद और सहायता कीजिए पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने मुझे रात भर संभाल के रखा पिता परमेश्वर, हरेक अचानक आने वाले संकटों से बचाया, हर एक उन अचानक आने वाली बीमारियों से मेरी रक्षा की प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। एक सुंदर सुबह के लिए मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि आप ही एक आदर के योग परमेश्वर प्रभु जी, जिसने अपने आप को स्वर्ग से नीचे उतारा और मनुष्यों का रूप धारण किया, और प्रभु जी बहुत सी ऐसी परेशानियों का सामना किया प्रभु जी, वो भी एक मनुष्य जाति के लिए मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके लिए हर एक सांस के लिए मेरे पिता परमेश्वर, आपके एहसान मंद हैं मेरे पिता परमेश्वर, जीवित परमेश्वर प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी। इस सुंदर सुबह को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी जो आप पर भरोसा रखते हैं प्रभु जी, आपके सहारे इस धरती पर प्रभु जी रहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आवश्यकता के अनुसार प्रभु
जी उनकी ज़रूरतों को पूरा कीजिए। मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। महाराजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान हो मेरे पिता परमेश्वर। आपकी करुणा अपार है मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक उन प्रभु जी विवाहित जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो शादीशुदा हैं मेरे पिता परमेश्वर। जाने अनजाने में जो भी उनके लड़ाई झगड़े हुए हों मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी उन्हें वो हृदय वो मन दे पिता परमेश्वर, जिससे वो आपकी बातें समझ के पिता परमेश्वर आपको अपना जीवन दे सकें, और हर समय प्रभु जी आपको मिल के पिता परमेश्वर धन्यवाद कर सकें। प्रभु जी आप उन्हें ऐसा हृदय ऐसा मन दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जाने अनजाने में जो भी गलती गुनाह हुआ हो मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें क्षमा करना पिता परमेश्वर, और मन मिलाओ का प्रभु जी आत्मा देना, जिससे वो आपस में मिल सकें पिता परमेश्वर, और आपको तहे दिल से पिता परमेश्वर धन्यवाद कर सकें। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जो कमेंट में पिता परमेश्वर प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजते हैं। प्रभु जी हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आवश्यकता के अनुसार प्रभु जी आप उनकी सहायता कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। जो भी जो स्थिति में है पिता परमेश्वर, मुझसे ने आपसे आवाज लगाई है मेरे पिता परमेश्वर, सुनकर उनकी शुद्धि लीजिए। जो पिता परमेश्वर अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं प्रभु जी, आप उनके समीप रहते हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर एक परेशानी हर एक दुख दर्द को दूर करते हो प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु जी, आप महान परमेश्वर प्रभु जी, होने दे पिता परमेश्वर अपने नाम की महिमा प्रभु जी। पिता परमेश्वर उन्हें मन और हृदय मेल जोल वाली आत्मा दे मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो प्रभु जी आपका वचन शांति का सुसमाचार हर एक जन तक पहुंचाना चाहते हैं प्रभु जी, हर एक जन तक आपका राज्य पहुंचाना चाहते हैं प्रभु जी। आप उनकी मदद और सहायता करें पिता परमेश्वर, जिस नगर जिस क्षेत्र में जाए, शरीर तो उनका लेकिन बसी हुई आत्मा प्रभु जी आपकी है पिता परमेश्वर। प्रभु जी अद्भुत चंगाई और छुटकारा मिले पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है जो मुझ पर विश्वास करता है उनमें ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को और बीमारियों पर हाथ रखेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। प्रभु जी अद्भुत ब्लेसिंग है उस गांव में उस क्षेत्र में पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपको जान सकें लोग, क्योंकि आप सामर्थी परमेश्वर हो प्रभु जी, आप पराक्रमी परमेश्वर हो प्रभु जी, आप दयालु परमेश्वर हो पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। उनके साथ प्रभु जी आपकी सहभागिता हमेशा रहे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और आगे का समय पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, मेरे बोल चाल से उठने बैठने से प्रभु जी किसी को ठेस ना लगे, ना हम किसी का ठेस का कारण बने प्रभु जी, मेरी मदद और सहायता करें प्रभु जी, यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।